हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ सैफ अली खान की फिल्म कालाकांडी के डिटेल रिव्यू के बारे में। जी हाँ, मैंने हाल ही में फिल्म देखी। इस हफ्ते फिल्म रिलीज हुई थी। इसकी कलेक्शंस वैसे तो पहले दिन बढ़िया था, दूसरे दिन धीमा हुआ, फिर तीसरे दिन बढ़िया था, लेकिन तीनों दिन कलेक्शंस कुछ 3.5 करोड़ या 4 करोड़ के आसपास है, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जहां तक फिल्म की बात करें, मुझे फिल्म बहुत बेहतरीन लगी। कंसेप्ट बहुत नया लगा और बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्मेंस लगी। कुछ परफॉर्मेंस जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसके बारे में जिक्र करूंगा। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इसमें कुछ एक्टर्स को आप फिल्म में जो आपको दिल जीत लेंगे। एक तो आपको सैफ अली खान आपका दिल जीतेंगे। उसके अलावा इस फिल्म में जो बढ़िया काम किया है, आई थिंक एक दो एक्टर्स और अक्षय उबेरा जो भाई का रोल प्ले करते हैं सैफ के, उन्होंने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है। इसके अलावा दीपक डोबरियाल कैसे हम भूल सकते हैं, दीपक डोबरियाल ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा ट्रेलर लगा। अब मैं बात करता हूँ मूवी लगी। अब मैं बात करता हूँ कुछ की परफॉर्मेंस के बारे में जिसने मेरा दिल जीता है। मतलब की परफॉर्मेंस, मतलब जैसे कि यहाँ पर सैफ अली खान को एक अलग ही अवतार में दिखाया गया था, जहां पर वो उन्हें पता चलता है कि उन्हें स्टमक कैंसर यानी पेट का कैंसर है। फिर सैफ अली खान बोलते हैं डॉक्टर के, भैया मैंने तो अभी तक कभी कुछ नशा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कभी सिगरेट भी नहीं पी, उसके बावजूद मुझे कैसे स्टमक कैंसर हुआ। तो डॉक्टर बोलता है भैया अब कुछ भी चीजें कभी भी हो सकती है इंसान को, और आपके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कुछ ही महीने बचे हैं या 5-6 महीने या 1-2 महीने बस। तो सैफ अली खान सोचते हैं अब मैं क्या करूं यार, मैंने लाइफ में तो कुछ किया नहीं, अब मसला मैं मरने वाला हूं, अब मैं क्या करूं। तो सैफ अली खान क्या करते हैं, अपने दोस्त को बोलते हैं कि मैं मतलब लिस्ट बना लेते कि ये चीजें वो करने वाले मरने से पहले। फिर दोस्त के पास जाते हैं, उसने उससे बोलते हैं कि कुछ है क्या, तो वो कुछ नशे की चीज देता है तो वो खा लेता है सैफ अली खान। उसके बाद उसको एक अलग ही दुनिया दिखने लगती है लोगों की, तो उसके मन में जो क्यूरियोसिटी रहती है वो कैसे वो पूरी करता है, वो इस फिल्म की स्टोरी है। इसमें 3 कंसेक्यूटिव स्टोरी है, 3 अलग अलग तरह से चलती है। एक सैफ अली खान की स्टोरी चलती है उसके भाई के साथ, और दूसरी स्टोरी रहती 3-4 दोस्तों की, जिसमें से एक को जाना रहता है यूएसए, लेकिन वो पब में जाती है अपने दोस्तों के साथ और बाकी फंस जाती है। तो वो स्टोरी, और एक स्टोरी रहती दीपक डोबरियाल की, वो भी चलती है। तीनों स्टोरी एक के बाद एक चलती रहती है, जिसे बैबल फिल्म है हॉलीवुड की, आपने देखा होगा तो कभी भी देखना अच्छी लगी। उसी तरह 3 कंसेक्यूटिव स्टोरी थोड़ी देर बाद चलती रहती है, और उसके बाद किस तरह से हर एक स्टोरी का अंजाम होता है वो इस फिल्म की कहानी है। और एक चीज मुझे अच्छा लगा इस फिल्म में कि जैसे एक डायरेक्टर का और एक राइटर या फिर एक एडिटर, इनका सबका विजुअलाइजेशन होता है। जैसे मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ पर्दे पे, क्या वो मैं दिखा पा रहा हूँ, वो बहुत बड़ी चीज होती है। आपको बता दो, अक्षत वर्मा की पहली फिल्म एज ए डायरेक्टर, उन्होंने दिल्ली बिल्ली फिल्म लिखी थी, तो वो बहुत बढ़िया थी। अब यहाँ पर क्या सीन था, तो उन्होंने जो विजुअलाइजेशन किया है वो बहुत बढ़िया किया अक्षत वर्मा, लिखा भी है और डायरेक्शन भी किया, तो यानी कि जो कंसेप्ट से उन्होंने लिखा था वो कंसेप्ट से उन्होंने अच्छी तरह डायरेक्शन किया है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। सैफ अली खान का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस कहूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत लगा कि थोड़ा सा और ज्यादा सैफ को स्पेस देते, थोड़ा सा और क्रेजीनेस जो उनका रहता और दिखाया तो और मजा आता। लेकिन चाहे वो बाथरूम लेडीज बाथरूम में जाने वाला सैफ अली खान का सीन हो, या फिर किस तरह से उनका एक बोल्ड बिहेवियर हो, यानी कि जो रियलिटी वाला, जो रियलिटी चेक हम कहते हैं, वो इस फिल्म में था। लेकिन मैं इसे बहुत अच्छी रेटिंग भी इसलिए नहीं दूंगा कि ये उन ऑडियंस के लिए नहीं है जो सिंगल स्क्रीन ऑडियंस है, ज्यादातर मल्टीप्लेक्स ऑडियंस की है, शहरों की ऑडियंस की है। ऐसे नहीं बोल रहा, मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, फिल्म देख सकते हो, आपको मजा आएगा, लेकिन हर तरह की ऑडियंस के लिए नहीं है। एडल्ट फिल्म है, सभी को पता है, थोड़ी बहुत ए रेटिंग ही मिली होगी इसको, मुझे ज्यादा तक पता है। और सीन्स है इसमें कुछ थोड़े से अजीब वल्गर, बट फिर भी ठीक है, और कंसेप्ट अच्छा था, उसे अच्छी तरह से पिक्चराइज किया है। और ये फिल्म की आमिर खान ने जमकर तारीफ की, तो कहा था कि देखिए जाकर, तो मैंने वो भी एक मन में मेरे थे मेरा था कि आमिर खान ने कहा तो जरूर अच्छी होगी, तो मैंने देखा तो मुझे अच्छी लगी फिल्म। आमिर खान ने जो तारीफ की थी गलत नहीं की थी, फिल्म बढ़िया है, बशर्ते इसे रेटिंग ज्यादा लोगों ने नहीं दी होगी। मैंने जो एवरेज रेटिंग देखा था 2.5 स्टार दिए थे, लेकिन मैं इस फिल्म को कम से कम दे रहा हूँ 3.5 स्टार, क्योंकि 3.5 स्टार ये फिल्म डिजर्व करती है। और ये फिल्म की जो कहानी है मुझे अच्छी लगी, मैं दिल को छू गई, और जो कुछ अलग हटके जो सिनेमा मुझे देखना पसंद है, थोड़ा सा अनोखा, थोड़ा यूनिक, वो मुझे इस फिल्म के जरिए दिखा। और कालाकांडी रॉक्स, चाहे कलेक्शन करे ना करे, मेरा दिल इस फिल्म में जरूर जीता है। आपकी क्या राय जरूर बताइए, आपको अच्छा लगा इस वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिलहाल इतना ही।